ज्योग्राफी पार्ट टू। आप देख रहे हैं भूगोल का भाग टू और आज हमारा इसका टॉपिक है बिग बैंग थ्योरी। आखिरकार बिग बैंग थ्योरी में आप क्या देखेंगे? तो मैं हूं आपका दोस्त अभि सिरोही और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट आगरा। और आपको इसकी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात द बिग बैंग थ्योरी। आप देख रहे हैं महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में, तो आइए जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी यानी जॉर्ज लेमेंटर ने 1960 से 70 के मध्य किया था। ब्रह्मांड के संबंध में सर्वप्रथम क्लाडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, जबकि कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में बता दिया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तब इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है और आज तक सर्वमान्य एवं सर्वसर्पेक्ष जो सिद्धांत है वो कॉपरनिकस द्वारा दिया गया सिद्धांत है, यानी कि सभी ग्रह उपग्रह सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। तो हम इसमें देखते हैं कि जॉर्ज लेमेंटर जो एक चर्च के पादरी भी थे, उन्होंने जब बिग बैंग थ्योरी के बारे में सोचा तो क्या कहा, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल का अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक विस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग से पदार्थों का बिखराव हुआ। ये जॉर्ज लेमेंटर ने कहा कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ये विस्फोट हुआ जिसे हमने नाम बिग बैंग थ्योरी दिया है। तो इसको आगे और समझते हैं ग्राफिक से, ज़रा समझने का कोशिश करें कि जॉर्ज लेमेंटर ने आखिरकार हमें इतनी सारे जो सिद्धांत बताए उसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है टॉलमी का। तो टॉलमी क्या कहता है, क्लाउडियस टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी जो है सेंटर में है, यानी कि पृथ्वी सेंटर में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा जॉर्ज टॉलमी ने कहा। बट कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत को पहले ही प्रतिपादित कर दिया था कि पृथ्वी सेंटर में नहीं है, सूर्य सेंटर में है। तो हम कॉपरनिकस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि कॉपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 में टोरन शहर में, पोलैंड के टोरन शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 मई 1543 फ्रॉमबोर्क, ये भी पोलैंड का ही एक शहर है, इसमें हुई थी। और ये जाने जाते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे लिए और क्वांटिटी ऑफ मनी एंड ग्रेसम्स लॉ के बारे, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं क्योंकि इनकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी तो आज तक हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है। कॉपरनिकस बाजर रेशेनियस एरा मैथमेटिशियन एस्ट्रोमर एंड कैथोलिक क्लेरम हु फॉर्मुलेशन ए मॉडल ऑफ यूनिवर्स दैट प्लेस्ड द सन रेदर देन द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी कॉपरनिकस कहता है कि कॉपरनिकस पॉलिस खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ थे, उन्होंने एक क्रांतिकारी सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो ये था पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य अंतरिक्ष के केंद्र में है। इस सिद्धांत को ही हेलियोसेंट्रिक कहते हैं और तब से अब तक इसको
बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य माना गया है और यह सिद्धांत हमेशा से ही सत्य साबित हुआ है। चलिए अब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। सबसे पहला सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, जो कि आपको पता है जो है किसने दिया था, महाविस्फोट सिद्धांत एव जॉर्ज लेमेंटर ने, और इसका एक्सप्लेनेशन जो किया वो किया रॉबर्ट बैगेनर ने। अच्छा, स्टडी स्टेट्स थ्योरी दूसरी है, स्टडी स्टेट्स थ्योरी ये है थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी, इन्होंने बनाया, इन्होंने ये सिद्धांत दिया। तीसरा सिद्धांत हमारे यहाँ है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी यानी कि दोलन सिद्धांत, और इसको दिया किसने, डॉक्टर एलन संडे। तो डॉक्टर एलन संडे ने दोलन सिद्धांत प्रतिपादित किया। और चौथा है इन्फ्लेशनरी थ्योरी, एलन गुथ ने बनाया, इसे स्पीति सिद्धांत भी कहा जाता है। चलिए आगे समझते हैं इसमें कि आखिरकार ये हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार नंबर एक, यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। इसका दूसरा सिद्धांत जो हमारे सामने आता है, सौरमंडल का विकास लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि ये जो घटना हुई वो तो करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हो गई, लेकिन जो सौरमंडल बना है वो अभी 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही बना है। अच्छा, नासा इसके बारे में क्या कहता है, ज़रा नासा के हम फैक्ट देखते हैं। यह घटना नासा ने जो कहा, सबसे पहला नासा का है 2001 में, इन्होंने एक जो संस्था है इनकी माइक्रो एनिस्ट्रोपी प्रोब, तो ये संस्था क्या कहती है, नासा ने 2001 में मैप शॉर्ट फॉर्म है जिसकी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुसंधान में बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि की, यानी बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। बिग बैंग पुष्टि मैप योजना का शुभारंभ डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में नासा द्वारा 30 जून 2001 को किया गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यूरोपियन के CERN। अब CERN क्या है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये अनुसंधान है इनका ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने एक महाप्रयोग किया जिसका नाम था LHC यानी कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर था इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है अक्सर करके, आपने सुना होगा कि 2012 में दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं था, केवल लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC मशीन को प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी। और ये मशीन जो थी वो करीब करीब ये मान लीजिए कि इसका जो था यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए 30 मार्च 2010 को CERN ने जेनेवा स्विट्जरलैंड में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 100 फीट यानी कि 27.36 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई, ठीक है, जिसमें लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। ये जो LHC मशीन की कुछ फोटो देख रहे हैं आप, ये मशीन में जो है इलेक्ट्रॉन की टक्कर कराई गई, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमने टक्करों को देखा। अच्छा, ये 2010 में प्रयोग हुआ, लेकिन उससे पहले सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग असफल रहा था, पहले भी ये कराया गया था, पहले ये असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया, जिसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और एक डायमेंशन हिग्स बोसोन व गॉड पार्टिकल के नाम से भी पुकारा जाता रहा है। यानी गॉड पार्टिकल के बारे में इतनी चर्चा होती है कि गॉड पार्टिकल, ये गॉड पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल एक तरह से यह मान लीजिए कि दुनिया की शुरुआत जिस पार्टिकल से होती है उस पार्टिकल को उन्होंने नाम गॉड पार्टिकल दिया, यानी कि पृथ्वी की और ये सारे ग्रह कैसे बने, ये विस्फोट से ही सारे ग्रह बने और उसी विस्फोट के नाम को इन्होंने गॉड पार्टिकल दिया। इसमें जितनी भी एनर्जी और जो पार्टिकल हमें प्राप्त हुआ
उसको गॉड पार्टिकल नाम दिया। अच्छा, इस पर सबसे ज़्यादा जो काम किया वो स्टीफन हॉकिंस ने किया। स्टीफन हॉकिंस हमेशा कहते रहे कि ये दुनिया किसी भगवान ने नहीं, ईश्वर ने नहीं, किसी गॉड ने नहीं बनाई, बल्कि यह दुनिया हमारे यहाँ एक विस्फोट से बनी है, जो कि बहुत सारी एनर्जी के विस्फोट से बनी है, और उस एनर्जी के विस्फोट से ही हमारी पूरी दुनिया, यहाँ तक कि पूरा यूनिवर्स बना है। इस सिद्धांत को उन्होंने सिद्ध करने में अपना पूरा जीवन यापन लगाया। चलिए अब आगे समझते हैं इसके अगले पॉइंट्स के बारे में। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जो हिग्स बोसोन जो पार्टिकल है, वो हिग्स बोसोन पार्टिकल क्या है, जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। हिग्स बोसोन, इसी में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसोन से मिलता जुलता एक एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए विशेष महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यानी कि हिग्स बोसोन से मिलता जुलता एक और पार्टिकल खोजा गया, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो ये हिग्स बोसोन जो था वो एक इतनी एनर्जी का पार्टिकल था, इसके बारे में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस ने तो ये तक कह दिया था कि अगर यह प्रैक्टिकल दोबारा से दोहराया जाता है खुले में, तो यहाँ से पृथ्वी पूरी नष्ट भी हो सकती है, इतनी एनर्जी इसमें। तो आज हमने आपको पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया, और गॉड पार्टिकल के बारे में बताया कि स्टीफन हॉकिंस ने इसे गॉड पार्टिकल नाम दिया। चलिए, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई से नई, लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।